उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी व अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कलेक्ट्रेट KNIC पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच परिषदीय विद्यालयों में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वहां से सीधे उप मुख्यमंत्री बचत भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए। इस बीच उनके साथ MLC व भाजपा नेता सहित जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव सहित पुलिस महकमा मौजूद रहा। जी हां, आपको बता दें कि आज उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सीधे PWD गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां जिलाधिकारी व अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के बाद कलेक्ट्रेट स्थित NIC में कार्यक्रम के दौरान परिषदीय विद्यालय में चयनित हुए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा, जिसके बाद अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए बचत भवन में जिलाधिकारी के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में MLC दिनेश प्रताप सिंह सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उनके आने से पूर्व प्रशासन ने चारों ओर पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी थी। इंडियन टाइम न्यूज के लिए रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की खास रिपोर्ट। के खिलाफ एक सामूहिक जंग को हमने छेड़ा है, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 3 वर्ष से ऊपर का जो 3.5 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल रहा है, उसमें एक बेहतर तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही सरकार के रूप में काम किया है। रायबरेली में भी आज हम लोग अभी यहाँ के विकास की जो योजनाएं हैं उनको अभी थोड़ी देर बाद बैठक करके हम लोग अंतिम रूप देने जा रहे हैं, और हमारा प्रयत्न यही है कि यहाँ पर चारों तरफ बड़ी चौड़ी सड़कें हों, फ्लाईओवर बने और यहाँ पे सभी प्रकार के सड़कों का निर्माण अच्छी तरीके से हो, इसके लिए भी सरकार ने तमाम प्रकार की योजनाओं, तमाम प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया है। और आज बरसात के बाद हम लोग जिला योजना की बैठक को भी संपादित करेंगे, उसमें तमाम कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। निश्चित रूप से गिरफ्तारी भी होगी और कठोरतम दंड भी। आपका जवाब मिल गया। अपराध को लेकर निशाना साध रहा है, लगातार कई इस तरह के मामले आ चुके हैं जिसको विपक्ष उसको निशाना साध रहा है, उसपे क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष इस समय हतोत्साहित है और एक संगठित प्रयत्न करता है कि किसी भी घटना को प्रचारित करके वो सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन घटनाओं में भी सरकार ने कठोरतम कार्रवाइयां की हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बाराबंकी का भी एक कांड हो गया, जहां भी घटना होगी, मैं सबका जवाब एक साथ दे रहा हूं, जहां भी घटना होगी सरकार बगैर किसी पक्षपात के कठोरतम कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। या समय से माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा कराने से हो, रिजल्ट निकालने के लिए हो, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हो, या बेसिक शिक्षा में आज जैसा कि आपने देखा 31,227 शिक्षकों की, नए शिक्षकों की भर्ती का नियुक्ति पत्र देने का काम रहा हो, सरकार ने बड़ी निष्पक्षता के साथ पूरे प्रदेश में काम किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक 3 लाख से ऊपर भर्तियां हो चुकी थी, आज की 31,227 को छोड़ के। और आपको जानकर खुशी होगा कि इन भर्तियों में तमाम विभागों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा हुआ। चिकित्सा विभाग में 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 16,708, बेसिक शिक्षा में इसके पहले 54,706 की नियुक्ति हो चुकी थी और आज 31,227 की नियुक्ति और हुई। पुलिस विभाग में 1,37,253, लोक सेवा आयोग में जो भर्ती का क्रम हुआ वो 26,103, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000 से ऊपर, उच्च शिक्षा विभाग में 4,615 से ऊपर, और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में 6,000
446, अगर कुल देखें तो 3,526 से ऊपर नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले हो चुकी थी और तमाम विभागों में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वो भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करें और सभी विभागों ने अपने वहाँ पर रिक्त पदों का विज्ञापन किया है और जल्दी ही अन्य रिक्त पदों का भर्ती का क्रम तेज़ी के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। ये सरकारी नौकरियों की बात है। उद्योग धंधों में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, लघु उद्योगों में और जो बैंक्स ने जिनको लोन दिया है या उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो उनमें चल रहे हैं निजी क्षेत्रों में, वो नौकरियों की संख्या अलग है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार आज बड़े पैमाने पर रोजगार को मुहैया कराने की अपनी प्राथमिकता को आगे रखे हुए है और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आज जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जल्दी ही जो 69,000 के हमारे और बचे हुए अध्यापक हैं जिनमें से 31,227 की नियुक्ति आज भी है, बचे हुए का जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद उसमें भी नियुक्ति की क्रम को हम लोग जारी करेंगे। आज इसीलिए सरकारी विश्वविद्यालयों में चाहे वो माध्यमिक हो चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, प्रत्येक में आज विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही क्रम बेसिक शिक्षा में भी है। बेसिक शिक्षा में 1,34,000 जब 2017 में सरकार में आए थे उस समय संख्या थी, अब आज 1,80,000 के आसपास विद्यार्थी पढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आज चौमुखी विकास की तरफ हमारी सरकार बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रही है और हमने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है। किसानों के कल्याण के लिए अभी हम लोगों ने कि वो सीधे अपनी फसल को बेच सके उसके लिए भी हम लोग नियम लाए हैं। हम लोगों ने जगह जगह पर चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो चाहे शिक्षकों की भर्ती रहे उसमें पारदर्शिता रखी है। हमने नए उद्योग लगे, निवेश बढ़े, बाहर से उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में आए इसका एक वातावरण तैयार किया है और अपराधों के खिलाफ और खास